13 साल बाद आज पहला मौका आया है जब सरकारी कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से 1 तारीख को सारे कर्मचारियों की तनख्वाह के अकाउंट में जमा होगी। अभी तक हम देखते थे कि हर महीने 3-3 महीने 4-4 महीने दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं थी। कई कई महीनों तक उन्हें धरने करने पड़ते थे, प्रदर्शन करने पड़ते थे, भूख हड़ताल करते थे, इस पार्टी के सामने, उस पार्टी के सामने, इस नेता के सामने, उस नेता के सामने प्रदर्शन कर करके उनका सारा टाइम खराब होता। पहली बार है कि पिछले 2 महीने से 1 तारीख को सारे कर्मचारियों की तनख्वाह के अकाउंट में जा रही है। इसके पहले सन 2010 में इसके पहले सारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिली थी, उसके बाद से कभी भी टाइम पर तनख्वाह नहीं मिली। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज दिल्ली नगर निगम के अंदर एक ईमानदार पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और सरकार बनने के केवल 6-7 महीने के अंदर हम लोगों ने नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को उनको तनख्वाह टाइम पर मिल रही है। और मैं समझता हूँ जैसे जैसे समय बीतेगा नगर निगम का रेवेन्यू और बढ़ेगा, नगर निगम के लॉसेस खत्म होंगे, नगर निगम अपने पैरों पे खड़ा होगा। और दिल्ली की सफाई को लेके भी एक बड़ा जोरदार अभियान अभी शुरू किया गया है और कुछ महीनों के अंदर ही आप ऑलरेडी देखना चाहते हैं, आपको फील होने लग गया होगा दिल्ली के अंदर जहाँ भी जा रहे हैं हरियाली हो रही है, पेड़ पौधे लग रहे हैं, खूब सफाई हो रही है चारों तरफ, दिल्ली अब सुंदर बनना